माइक नीचे कर रहे हैं ना, मेरे समय आते आते या दद्दू के समय तक ये पूरी खाट बिछा देगा। स्वागत है मंच पर विराजे सभी कवि गण। उसको बेटा पैर छू लो दीदी। अच्छा करंट आ रहा है ना, देख मंच पर विराजे सभी कवि गण। हाँ पता है, मेरे को देखा मैंने। और आइए सभी पर खुश होता हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। यकीन मानिए मुझे 37 वर्ष मंचों पर हो गए हैं, हिंदी उर्दू मंचों पर जाते हुए। मैं बैठी बैठी महसूस कर रही थी कि मैं इतने सालों में IIT इस कवि सम्मेलन में क्यों नहीं आई। यकीन इतने सारे रंग, इतने खूबसूरत खूबसूरत रंग मुझे नजर आ रहे हैं, ऐसा लगता है कि सारा हिंदुस्तान यहीं बैठा हुआ है। मैं मोहब्बतों की शायरी करती हूँ, मुझे नहीं मालूम कि मेरी शायरी आप तक पहुंची है या नहीं, लेकिन चार पंक्तियां पढ़ूंगी, इससे अंदाज़ा लगाऊंगी कि मुझे अपनी शायरी अपनी कविता आपको कब तक सुनानी है। एक बार तालियां बजा कर मुझे तेरी यादों को प्यार कर सौ जन्म भी निसार करती हूँ, तुझको फुर्सत मिले तो आ जाना, मैं तेरा इंतजार। मेरे नौजवान बच्चे सीटियां बजा रहे हैं, शायद वो मुझे बहुत दूर से देख रहे हैं। अगर वो मेरे पास आएंगे तो शायद चरण स्पर्श करेंगे। चार पंक्तियां और सुनाती हूँ। ये किसी नाम का नहीं होता, ये किसी नाम का नहीं होता, ये किसी धाम का नहीं होता। प्यार में जब तनक नहीं टूटे, दिल किसी काम का नहीं। मुझे भी देखना है लोगों को, ये किसी काम का। अब मैं चाहिए, मैंने आठ पंक्तियां आपको सुनाई अभी तक, अगर आप सबकी इजाजत हो तो आठों पंक्तियों से चार पंक्ति इससे भी अच्छी सुना देती हूँ। लफ्जों को समझना, अदाई को समझना। गम की उलझी हुई लकीरों अपनी तकदीर देख लेती हूँ, आईना देखना तो भूल गई, तेरी तस्वीर देख लेती। चार पंक्तियाँ सबसे अच्छी थी, लेकिन कोई बात नहीं, आपकी तालियां कमजोर रहीं कोई बात नहीं। चार पंक्तियाँ और सुनाते हैं। ये चार पंक्तियाँ मैं अपने नौजवान भाइयों को, अपनी बहनों को नज़ करना चाहूँगी। बुजुर्गों से माफी, डर लगता है कहीं अमल हो गया तो परेशानी में आ जाए। तो जब से आशाराम बाबू कांड हुआ तब से तो मैं ऐसे करके माफी मांगती हूँ।
विचार मत करना, तुम सितारे शुमार, शुमार गिनने को कहते हैं, तुम सितारे शुमार मत करना। लड़कियों मुझको तजुर्बा है बहुत, मशवरा है कि प्यार। वैसे एक सच्ची बात मैं आपको बताऊं, मेरे आदरणीय बैठे हुए तो मेरे छोटे भाई हैं, यकीन मानिए 25 साल पहले ये मशवरा मुझे भी किसी ने दिया था, मैंने भी नहीं माना। मशवरा है अब एक मतलब दो शेर सुनाती हूँ, बहुत अच्छा सुनने हैं, ज्यादा बातें करने से बेहतर है कि मैं शायरी सुनाऊं। है अगर प्यार तो मत छुपाया करो, है अगर प्यार तो समझदार है वैसे यार। वैसे मैं बता दूं कि एक पंक्ति को जब मैं 3-4 बार पढ़ूं समझने की तालियां बजाना है। है अगर प्यार तो मत छुपाया करो, है अगर प्यार तो मत छुपाया करो, हमसे मिलने खुले आओ। अगर प्यार तो छुपाया करो, हमसे मिलने खुले आमुआ करो, हमसे मिलने बच्चा मैं पढ़ी हूँ, हमसे मिलने खुले आमुआ। अब शेर सुनना, शेर मैंने कहा है महसूस आप सब करेंगे, इसमें कोई बंदिश नहीं, वो चाहे बुजुर्ग हो जवान हो, महसूस करने का हक सबको है। दिल हमारा नहीं घर है ये आपका, दिल हमारा नहीं घर है ये आपका, दिल हमारा नहीं घर है ये आपका, रोज आया करो रोज जाया करो। देखो एक बात बता दूं मैं नौजवान बच्चों, हम बहुत अच्छा कवि सम्मेलन करते हैं और आदरणीय डॉक्टर अशोक सुरेश अवस्थी जी से भी कहना चाहोगे, अगर हम कवि सम्मेलन करते हैं कविता नौजवान नस्ल तक पहुंचाना चाहते हैं तो उनको ये तहजीब भी सिखानी चाहिए कि मुशायरा कवि सम्मेलन में सीटियां नहीं बजाई जा सकती, ये तहजीब के खिलाफ है। ऊपर वाली पंक्तियों अभी क्योंकि रहगुजर से गुजरे नहीं है, आगे मेरी जितनी मेरी बहनें और मेरे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, हिंदुस्तानी औरत की बात करती हूँ, आदरणीय मल्होत्रा साहेब भाभी साहिबा बैठी हैं, कि हम हिंदुस्तानी औरतों की बहुत छोटी छोटी मीठी मीठी सी ख्वाहिश हुआ करती है, लेकिन ना समझ पुरुष वर्ग जिंदगी पर नहीं समझ पाता है। अंजुम का ये शेर फिर से पढ़ती हूँ, रोज आया करो, तालियां बजाओ, रोज जाया करो, प्यार करना न करना अलग बात है, प्यार करना न करना अलग बात है, कम से कम वक्त पर घर तो आया करो। बहुत अच्छा लगा, अगर आप सबकी इजाजत हो एक बच्चा दो शेर सुनाकर उस गजल तक पहुंचना चाहती हूँ जो मुझे इन दिनों में सुनाती हूँ, लेकिन एक बच्चा दो शेर सुनिए, बहुत अच्छा सुनते हैं, कुछ लोग तो इसलिए आए हैं कि वो भी आई हैं। हमारी जो नई नस्लें आज
आजकल गलत फैमिलियों में जिंदगी गुजार देती है। अस करती हूँ। एक बार के मिलने को जो प्यार समझते हैं, एक बार के मिलने को जो प्यार समझते हैं, एक बार के मिलने को जो प्यार समझते हैं, पागल है मगर खुद को होशियार समझते हैं। इसी चक्कर में तो ब्याह नहीं हो रहा है। नहीं वो गुस्से थोड़ी करेगा, क्या बात कर रहा है। भाई है, लेकिन वो शादी क्यों नहीं कर रहा है? अभी अलग बात है कि आप कुछ कहें वो कुछ कहें। मैंने एक शेर लिख डाला, अगर ये मोहब्बतों की शायरी करता तो शायद अभी तक 3-4 ब्याह हो चुके रस की शायरी करता है और देश के बारे में सोचता है, तो मेरा शेर सुने। आप सब पढ़े लिखे लोग हैं। चाहत की इबादत को जो रोग समझता है, चाहत की इबादत को जो रोग समझता है, चाहत की इबादत को जो रोग समझता है, हम ऐसे मसीहा को बीमार समझते हैं। अगर ऐसी बहने हो तो फिर चलाई जाए, मैं इलाज करवा दूंगी। मसीहा को बीमार समझते हैं। और देखिएगा अंजुम का ये शेर बतौर तोहफा आप सबके लिए। ये ऊंचे घरानों के बिगड़े हुए लड़के आप गलत समझते हैं, मैं आप लोगों की बात थोड़ी कर रही हूं। ये ऊंचे घरानों के बिगड़े हुए लड़के, ये ऊंचे घरानों के बिगड़े हुए लड़के हैं, जो प्यार के मंदिर को बाजार समझते हैं। बिगड़े हुए लड़के जो प्यार के मंदिर को बाजार समझते हैं। और अंजुम का ये शेर मुझे बहुत कम पढ़ती हूँ, लेकिन आज यहाँ मैं सुनाऊंगी। मेरे छोटे भाई सुनील जोगी ने जब मेरा परिचय दिया कि ये उर्दू शायरों की शायरा है, अभी भी बोला, यकीन मानिए मुझे वो अच्छा नहीं लगता है। मैंने कभी अपने आप को मुसलमान नहीं माना, हमेशा मैंने अपने आप को हिंदुस्तानी माना। हिंदुस्तानी जबान की शायरा हूँ या कवित्री हूँ, ये बात अच्छी लगेगी। और जो लोग ऐसा सोचते हैं वो कम लोग हैं। अंजुम का ये शेर। इस मुल्क के माथे पर एक दाग है वो अंजुम, इस मुल्क के माथे पर एक दाग है वो अंजुम, जो लोग फसादों को त्योहार समझते हैं, अच्छा लगा। अब एक गजल बस्ती के मूड में आप सुनेगा। रदीफ जो आखिर में शब्द आता है इसको कहते हैं। नहीं चाहिए अगर आप मेरे साथ गाएंगे या बोलेंगे तो गजल का मजा दोबाला हो जाएगा। सुनाऊं अगर सब? प्यार नजरों में आना नहीं चाहिए, यूं कहूं कि मैं IIT के नौजवान बच्चों के लिए लिखी है मैंने। प्यार नजरों में आना नहीं चाहिए, प्यार नजरों में आना नहीं चाहिए, प्यार नजरों में आना नहीं चाहिए, रोज मिलना मिलाना नहीं चाहिए, रोज मिलना मिलाना
शहर आदरणीय सुरेश अवस्थी जी के लिए, लोग पागल समझने लगेंगे तुम्हें। ज्यादा देर तक हंसना की दीवानगी का सबूत हुआ करता है। लोग पागल समझने लगेंगे तुम्हें, लोग पागल समझने लगेंगे तुम्हें, रात दिन मुस्कुराना नहीं चाहिए, रात मुस्कुराना नहीं चाहिए। और अर्जुन का ये शेर, बारिशों के इरादे खतरनाक हैं। मेरे साथ नहीं चाहिए कहना, अभी नहीं। बारिशों के इरादे खतरनाक हैं, बारिशों के इरादे खतरनाक हैं, बारिशों के इरादे खतरनाक हैं, अब पतंगे उड़ाना नहीं चाहिए, अब पतंगे उड़ाना नहीं चाहिए। और जो शेर सुनते हैं, शायरी को समझते हैं, मेरे नौजवान भाइयों सुनो, आदरणीय सरदार जी जा रहे हैं, मेरे अंजुम का ये शेर सुन के जाइए आप। मैंने ये सोच कर दे दिया दिल से, सुनना, मैंने ये सोच कर दे दिया दिल से, मैंने ये सोच कर दे दिया दिल से, दिल किसी का दुखाना नहीं चाहिए। आप सब मेरे साथ गाएंगे। मैंने ये सोच कर दे दिया दिल से, दिल किसी का दुखाना नहीं चाहिए, दिल किसी का दुखाना नहीं चाहिए। और जो सीटी बजा रहे थे बच्चे, उनके लिए शेर। एक गमले में अंजुम कटे जिंदगी, एक गमले में अंजुम कटे जिंदगी, एक गमले में अंजुम कटे जिंदगी, हर जगह गुल खिला। मैंने आपको तो ज्यादा को नहीं सुना दिया, मेरे बड़े भाई एक गजल के लिए मुझे आदेशित कर रहे हैं, तो आपकी इजाजत तक वो तो। देखिए, बहुत सारी गजलें आपने सुनी, मोहब्बतों की शायरी गजल की मानी है, रूप से महबूब बातचीत है। एक गजल मैं आपको होली की सुनाती हूँ, जब होली आएगी शायद कहीं ना कहीं मैं आपको याद आऊंगी। इस गजल का जो मतलब है, सिर्फ शब्दों की पेंटिंग है, लेकिन आप लोग बहुत मजा लेंगे, बहुत अच्छा लगेगा, ऐसे ही सुनिएगा। रंगों में घुली लड़की, अरे यार ये बहुत सही है, क्या रंगों में घुली लड़की, क्या लाल गुलाबी है। अब रंगों को तलाश करना आस पास में, रंगों में घुली लड़की क्या लाल गुलाबी है, रंगों में घुली लड़की क्या लाल गुलाबी है, सब देख के कहते हैं क्या माल गुलाबी है। अब आप लोग तलाश कर लो, मैं जरा सुकून ले लूं। सब के कहते हैं क्या माल गुलाबी। अब शेर सुनो, जो पिछले बरस तूने होली में भिगोया था, जो पिछले बरस तूने होली में भिगोया था, अब तक वो निशानी का रूमाल गुलाबी है। और देखिएगा
का ये शेर सुनती थी गुलाबी था जयपुर भी कभी पहले, सुनती थी गुलाबी था जयपुर भी कभी पहले, अब आके कोई देखे भोपाल गुलाबी है। अब आप समझ गए होंगे कि अंजुम जी भोपाल से ही आई। और अंजुम का ये मक्का, मेरे आगे मेरी उम्र के लोग बैठे हुए हैं, यकीन मानिए मुझे तो बच्चों को देखकर कोई मायूसी नहीं, बहुत मायूसी हुई। अब अंजुम का ये शेर सुनना, क्या होंगे जवान लड़के खुद सोच लो तुम अंजुम, क्या होंगे जवान लड़के खुद सोच लो तुम अंजुम, बस्ती के बुजुर्गों का जब हाल गुलामी है। अब मैं इसके बाद वो गीत सुनाना चाहती हूँ जिस गीत ने अंजुम को अंजुम बना दिया। अगर आप सबकी इजाजत हो तो मैं वो गीत सुना। मैंने रेलगाड़ी को सिंबल माना है, प्रतीक माना है, और ये बात बताने की कोशिश की है कि रेलगाड़ी सिर्फ रेलगाड़ी नहीं बल्कि हमारी आपकी जिंदगी है। एक अच्छा और सच्चा गीत मैं चाहती हूँ कि वो यहाँ सुना कर जाऊँ। झुक 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 रेल चली है जीवन की, झुक 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 रेल चली है जीवन की, हंसना रोना जागना सोना खोना पाना सुख दुख दुख सुख, चुक 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 रेल चली है जीवन की, चुक 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 रेल चली है जीवन की, चुक 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 रेल चली है जीवन की। अब बस सुनाती हूँ, जब मैं चुक चुक कहूँ तो यही दुआएं मुझे मिलनी चाहिए जिसे आपने अभी सुनाती हूँ। छोटी छोटी सी बातों से मोटी मोटी खबरों तक, छोटी छोटी सी बातों से मोटी मोटी खबरों तक, ये गाड़ी ले जाएगी हमको माँ की गोद उस कब्रों तक, ये गाड़ी ले जाएगी हमको माँ की गोद उस कब्रों तक, सब चिल्लाते रह जाएंगे रुक 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 रुक, चुक 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 रेल चली है जीवन की, चुक 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 रेल चली है जीवन की। अगला बंदा सुनाती हूँ, बस ऐसे ही सुना। सामा बांध के रखो लेकिन चोरों से होशियार रहो, सामा बांध के रखो लेकिन चोरों से होशियार रहो, जाने कब चलना पड़ जाए चलने को तैयार रहो, जाने कब चलना पड़ जाए चलने को तैयार रहो, जाने कब सीटी बज जाए सिग्नल जाए झुक, चुक 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 रेल चली है जीवन की, चुक 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 रेल चली है जीवन की। अगला बार और सुनाती हूँ, सिंबल्स देखिएगा। पाप और पुण्य की कटोरी बांधे सत्यनगर को जाना है, पाप और पुण्य की गठुरी बांध सत्यनगर को जाना है, जीवन नगरी छोड़ के हमको दूर सफर को जाना है, जीवन नगरी छोड़ के हमको दूर सफर को जाना है, ये भी सोच ले हमने क्या क्या माल किया है बुक, चुक 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 रेल चली है जीवन की, चुक 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 रेल चली है जीवन की। और अंजुम चरण की विदाई, बस अपने साथ ले जाना और अंजुम को ढेर सारी दुआएं दी जाएगा। रात और दिन में सुरेल के डिब्बे, रात और दिन में सुरेल के डिब्बे
और सांसों का इंजन है, रात और दिन सुरेल के डिब्बे और सांसों का इंजन है, उम्र है इस गाड़ी के पहिए और चिताएं स्टेशन है, उम्र है इस गाड़ी के पहिए और चिताएं स्टेशन है, जैसे दो पटरी हो वैसे साथ चले सुख दुख, चुप 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 रेल चली है जीवन की, ऊपर हाथ सिंह जी का वो शेर याद आता है कि मोबाइलों के दौर के क्या है आशिक को क्या पता रखते थे कैसे खत में कलेजा निकाल कर, अंजुम मैंने एक गजल लिखी बस इसमें भी चिट्ठियां आप बोलते जाइएगा तो मुझे मजा आएगा। अरे यार पता नहीं हमारे जो पीछे बैठे रहते हैं वो इस बात में किसी की खामी मिल जाए बस। चिट्ठियां आपको याद नहीं याद होंगी तो किसको याद हो? मैंने बहुत लिखी है तुम्हें मालूम है। वो कहते हैं ना कि नए मुसाफिर ये ना समझे नदी का पानी उतर गया है। पढ़ती रहती हूँ मैं सारी चिट्ठियाँ, पढ़ती रहती हूँ बसारी चिट्ठियाँ, पढ़ती रहती हूँ मैं सारी चिट्ठियाँ, रात है और है तुम्हारी चिट्ठियाँ, ऐसे ऐसे रात है और है तुम्हारी चिट्ठियाँ। अब गजल शुरू होती है, तुम हो मेरे पास लेकिन दुख है ये, तुम हो मेरे पास लेकिन दुख है ये, अब नहीं आती तुम्हारी चिट्ठियाँ, अब नहीं आती तुम्हारी चिट्ठियाँ। अब शेर सुनाती हूँ, हम नजर आएंगे एक एक हर्फ में, हम नजर आएंगे एक एक हर्फ में, जब चलाओगे हमारी चिट्ठियाँ, जब चलाओगे हमारी चिट्ठियाँ, लिख तो रखी है मगर भेजी नहीं, लिख तो रखी है मगर भेजी नहीं। और चक्कर क्या है कि नई नस्ल को यही तो तजुर्बा नहीं है कब क्या करना चाहिए। लिख तो रखी है मगर भेजी नहीं, लिख तो रखी है मगर भेजी नहीं, है अभी तक वो कुंवारी चिट्ठियाँ, है अभी तक वो कुंवारी चिट्ठियाँ। डांटते अंजुम है मुझको घर के लोग, डांटते अंजुम है मुझको घर के लोग, सबने पढ़ ली है तुम्हारी चिट्ठियाँ, सबने पढ़ ली है तुम्हारी चिट्ठियाँ। शुक्रिया।